वेलकम टू इमेक्स एजुकेशन। इमेक्स इंडिया परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट कुछ टाइम से इमेक्स इंडिया के कॉम्पिटिटर्स के द्वारा इमेक्स इंडिया की छवि को खराब करने के लिए भरपूर प्रयास किए गए। इमेक्स इंडिया ग्रुप ने ऐसे फेक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, और जैसे रिसेंटली एक केस हुआ जिसमें एक अंकित गोयल और फेक मनोज कुमार पांडे के नाम से हमारे कुछ स्टडी सेंटर्स और प्राइवेट वेबसाइट पे गलत और फेक कमेंट्स किए गए, और इमेक्स इंडिया की लीगल टीम ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। इसके लिए अब आगे हम वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से वो फेक अंकित गोयल और मनोज कुमार पांडे के खिलाफ एक्शन लिया गया और उनसे माफीनामा मंगवाया। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इमेक्स एजुकेशन फैमिली। इमेक्स एजुकेशन फैमिली में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह वीडियो आप सभी को एक जरूरी जानकारी देने के लिए बनाया गया है। पिछले कुछ टाइम से हमारे कुछ स्टडी सेंटर्स को फेक मनोज कुमार और फेक एडवोकेट अंकित गोयल के नाम से, ये जो आप दो मेल आईडी देख रहे हैं, इन मेल आईडी के नाम से इमेक्स इंडिया की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हमारे बार बार बोलने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी, इन दो मेल आईडी को जो भी शख्स ऑपरेट कर रहा था उसने यह जो फेक मेल भेजना बंद नहीं किया, जिससे हमारे सेंटर्स ने हमें बार बार सूचित किया और इमेक्स इंडिया ने कई बार शख्स को आगाह किया कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए। उसके बावजूद भी वह शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इमेक्स इंडिया ने उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई किया, और जब उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई किया गया तो पुलिस के द्वारा उसको उठा के लाया गया, और उसके खिलाफ जो भी हमने कार्रवाई की थी, हमारे द्वारा जो भी कार्रवाई उसके खिलाफ किया गया था, उसके एवज में उसने इमेक्स इंडिया से लिखित में माफीनामा मांगा गया है। और जिस जिस सेंटर्स को उसने गलत ईमेल भेजा था, जुलाई 12 को उसने सभी की मेल्स पे दोबारा से लिखित में माफीनामा मांगा है। इसमें आप यह सभी देख भी सकते हैं कि किस तरीके से उस बंदे ने लिखित में माफीनामा मांगा है। इसलिए आप सभी को यह वीडियो बनाया गया है, और इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि जिसमें उस शख्स ने ये जो मेल आईडी है मार्केट एसोसिएशन के नाम से उसने बना के मेल आईडी के नाम से काम करना, जो फेक मेल्स भेजना स्टार्ट किया था, और उसने एक जो मेल आईडी बनाई थी गोयल अंकित के नाम से, जो मेल आईडी आपके सामने दिख रही है, इस नाम से उसने मेल आईडी बनाया था, और उसने इस टाइप की धमकी देना स्टार्ट किया था कि वह इमेक्स इंडिया की छवि खराब कर देगा। लेकिन इमेक्स इंडिया की लीगल टीम ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई किया, और जिसके बाद इसने लिखित में हमें माफीनामा मांगा है। और उसके बाद, क्योंकि इस टाइप के जो लोग होते हैं वह सिर्फ जो कंपटीटर होते हैं हमारे, आप समझ ही चुके होंगे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इमेक्स इंडिया के कुछ कंपटीटर होते हैं जो हमारी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें पता है कि हमारे साथ जो भी स्टडी सेंटर्स काम कर रहे हैं कि हमारी सर्विसेज कैसा है, उन सभी को सब कुछ पता है, और इमेक्स इंडिया के सर्टिफिकेशन के बारे में उनको सब कुछ पता है, इमेक्स की सर्विसेज के बारे में उनको सभी कुछ पता है, तो उनका विश्वास हमारे ऊपर बना रहा। और इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि फेक मनोज कुमार ने लिखित माफीनामा मांगा है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को जो भी हमारे साथ विश्वास करके चल रहे हैं उन सभी को आश्वासन देना चाहूंगा कि अगर भविष्य में भी कोई भी शख्स इस तरीके से गलत काम करता पाया गया जिससे इमेक्स इंडिया की छवि खराब होगी, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई किया जाएगा। और आप सभी ने इमेक्स इंडिया के साथ सहयोग बनाए रखा, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और उस इस टाइप के जो के लोग होते हैं उनको मैं दोबारा से इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी इमेक्स इंडिया की छवि खराब करने की कोशिश करेगा तो जिस तरीके से इस शख्स के खिलाफ लीगल कार्रवाई किया गया, कुछ लोग सोचते हैं कि ईमेल्स बना के या फेक नंबर से, फेक ईमेल से कुछ भी ऐसा कर देंगे, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करने पे आती है, इंडिया का जो लॉ है वो कार्रवाई करने पे आता है, तो उस शख्स को वहां से उठा के लेके आ जाते हैं। ये दिल्ली का शख्स था, ये जो हमारा ही कंपटीटर था, उसको वहां से उठा के यहां पे लेके आए कुशेत्र में, और इससे माफी मंगवाई गई। और इसी तरीके से अगर कोई और भी ऐसा शख्स हमें मिलता है तो उसके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई की जाएगी। और जो भी शख्स हमारे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन सभी का एक बार फिर मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय इमेक्स।